अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि लाइफ पार्टनर को खूबसूरत होना चाहिए या इंसान का बच्चा होना चाहिए उसके अंदर ऐसी इंसानियत होनी चाहिए कि जो हमें जो है वो ज़िंदगी में खुशियाँ दे सके सकून दे सके और हमारी ज़िंदगी को है जो है वो इस दुनिया में जन्नत बना सके आपको पता है इंसान अगर घर में खुश नहीं ना तो वो दुनिया में कहीं भी खुश नहीं ये बात बहुत से लोगों ने कही और ये बात रिसेंटली मेरे फेवरेट एक्टर जोनी डेप ने भी एक्सेप्ट की जोनी डेप और एम्बर हैड का जो किस्सा है वो पूरी दुनिया के सामने है दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा मालदार लोग हैं अम्बर जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है उसका जो फेस है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत फेस है साइंटिफिक जो है वो रिसर्च के मुताबिक और जॉनी डप भी अपने दौर का बहुत ज़्यादा खूबसूरत मर्द रह चुका है और अभी भी रिसेंटली भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मालदार भी बहुत ज़्यादा है अब ये दो लोग जब अलग हुए तो जॉनी डप ने यह बात कही कि दुनिया में सबसे खुश नसीब वह इंसान है जिसके घर में सकून है अगर आपके घर में सकून नहीं तो आपके कहीं भी सकून नहीं यही बात मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अरसा पहले कह दी उनकी अहदीस बहुत पहले हैं जब वो इस दुनिया में आए तो नूर रहमत बनकर आए तो उन्होंने उनकी ये हदीस कि ये दुनिया जो है कि फ़ायदा उठाने की चीज़ है और इसमें सबसे जो फ़ायदा दे चीज़ है वो नेक बीवी है दुनिया में सबसे खुश नसीब इंसान वही है जिसके पास नेक बीवी है आज ये जो लोग भी कवारे लड़कियाँ और लड़के हैं अगर मेरी इस वीडियो के मकसद को समझ गए मेरी इन बातों को उन्होंने अप्लाई कर ली अपनी लाइफ में तो यकीन करें उनकी ज़िंदगी जन्नत बनने वाली है अदरवाइज़ अल्लाह ना करे जिस हालात से वो गुज़रने वाले हैं जिन मामला को वो आगे जा कर ज़िंदगी में देखने वाले हैं ये एक शादीशुदा मर्द ऐसी लाइफ में जो ज़िंदगी गुजार रहा है जिसका लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा नर्सिस्टिक है जो अपने अलावा किसी और को कुछ नहीं समझता या बहुत ज़्यादा हुसन प्रस्त है या बहुत ज़्यादा दौलत प्रस्त है फिर उस बंदे की ज़िंदगी अल्लाह माफ़ करे कि वो जिंदगी ज़िंदगी तो होती है पर उसमें ज़िंदगी नहीं होती आप एक बात याद रखें अगर आप किसी बंदे को ख़ूबसूरती की वजह से प्रेफरेंस देते हैं मैंने आजकल लड़कियों में भी ये चीज़ देखी है कि वो खूबसूरत लड़कों को प्रेफर करती हैं मालदार लड़कों को प्रेफर करती हैं नो डाउट इंसान को देखना चाहिए कि इंसान के पास थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए कि वो उसके अराजात को पूरा कर सके लेकिन ये ख़ूबसूरती का एलिमेंट कहाँ से आ गया कि हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत मर्द चाहिए बहुत ज़्यादा स्टाइलिश मर्द चाहिए बहुत ज़्यादा जो है वो सेल्फ़ केयरिंग मर्द चाहिए फिर बाद में वो रोती हैं बाद में वो रोती हैं मेरे पास तो मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां आती हैं और कहती हैं सर हमारे हस्बैंड हमें समझ नहीं रहे हम चाहती हैं हम अपना ट्रीटमेंट करवाएं हम चाहती हैं हम अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट करें बट हमारे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हें है ही क्या तुम्हें तो कोई मसला नहीं है अगर ये वीडियो आपको मोटिवेट कर रही है और अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपको अच्छा लग रहा है इस वीडियो को देख के तो थोड़ा सा अच्छा मुझे भी महसूस करा दें कैसे छोटे बच्चे हो क्या बार बार बताऊँ चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी ज़िंदगी में आपके आपके इंतखाब जो है ना वो बड़े जरूरी होते हैं देखिए अगर आप किसी बंदे को खूबसूरती के लिए प्रेफर करते हैं या किसी बंदे को मालदार होने के लिए प्रेफरेंस देते हैं तो आप खुद सोचें जरा ये चीजें कितनी देर के लिए हैं खूबसूरती लिमिटेड टाइम के लिए है कोई बंदा मालदार है तो लिमिटेड टाइम के लिए है एक वक्त आता है जब इंसान परेशानियों में आता है इवन मैंने अपनी आंखों के सामने देखा एक लड़की और लड़के की लव मैरिज हुई लड़का पहले अमीर था जब उसने लव मैरिज की उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया जब लड़की और लड़का दोनों एक जो है वो कराए के मकान पर रहे और कुछ ही अरसा में जो है वो लड़की की मोहब्बत उस लड़के से उठ गई एक तरफ मैंने एक और स्टोरी में देखा कि मेरे ही एक दोस्त ने एक बहुत जो है वो खूबसूरत लड़की से मोहब्बत की बहुत खूबसूरत लड़की से शादी की और वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी लेकिन उस दोस्त मेरे ने उस लड़की को बहुत ज़्यादा दुख दिए उस लड़की का जीना हराम कर दिया वो बेचारी एंड ऑफ द डे उसने उस लड़की से उसने उस लड़की को तलाक दे दी तो इंसान का इंतखाब बड़े सोच समझ कर करें अगर आप लड़का हैं तो आप लड़की में कुछ क्वालिटीज़ देखें सबसे पहली चीज़ औरत दीनदार होनी चाहिए औरत हयादार होनी चाहिए औरत परदेदार होनी चाहिए औरत इज्जत करने वाली हो औरत मामला को समझने वाली हो औरत में इंसानियत हो औरत सिर्फ अपनी बात को ही ना आगे रखती हो वो हर किसी की बात सुनती हो उनके घर में मर्दों की इज्जत हो जिस औरत के घर में मर्दों की इज्जत नहीं होती याद रखें वो कभी भी अपने शोहर को भी इज्जत नहीं देती औरत बहुत ज़्यादा शौखी ना हो अगर लड़की बहुत ज़्यादा शौखी है ना तो यकीन करें कि वो अपने शौक़पन में बड़ी ऐसी बातें कर जाएगी बड़ी ऐसी बोंगियाँ मार जाएगी जो बेचारी बाद में जाके बहुत पछताएगी मैंने बड़ा देखा है बड़ी बड़ी अच्छी लड़कियाँ भी होती हैं लेकिन अपने शोक़न में शोखा इंसान जो होता है ना वो तारीफ़ का मोहताज होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है कि कोई उसके बारे में कोई ना कोई अच्छी बात करे कोई ना कोई ऐसे नोड्स उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसे बातें उसके ऊपर कर दे कि जिससे वो हवा में उड़ना शुरू कर दे और जब बंदा हवा में उड़ जाता है फिर वो बंदा हल्का हो जाता है और हल्का इंसान कभी भी आपकी बात किसी बात को वज़नी बात को उठा के नहीं रख सकता वो उसे फ़ौर गिरा देता है वो फ़ौर दूसरों को बता देता है और फ़ौन वो अपने आप को नुकसान पहुँचा देता है औरत हुसन परस्तना हो औरत दौलत प्रस्तना हो दो औरत को हुसन उसका जेवर है औरत खूबसूरत बनी है हर औरत खूबसूरत है लेकिन वो उस खूबसूरती को कैश कराना ना जानती हो वो उस औरत वो उस खूबसूरती की मोहताज ना हो अगर तो औरत खूबसूरती को कैश करवाना जानती होगी तो याद रखिएगा मर्द औरत की कमज़ोरी को जानता है जिस जगह पे जाएगी कोई ना कोई मर्द उसको अप्रिशिएट कर देगा और जब औरत को दूसरे मर्दों की अप्रीसीशन्स मिलना शुरू हो जाती हैं फिर औरत कभी भी एक डगर पे नहीं रहती फिर वो भटकना शुरू कर देती है इसी तरह जो लड़कियां हैं जब वो लड़के का इंतखब करें सबसे पहली चीज़ ये देखें कि वो लड़का दीनदार कितना है वो लड़का कितना दीन को प्रैक्टिस करता है दूसरी चीज़ वो इंसान का बच्चा है कि नहीं उसके अंदर इंसानियत है कि नहीं इस बात का अंदाज़ा कैसे होगा इस बात का अंदाज़ा ऐसे होगा कि वो दूसरों के साथ कैसे रहता है वो इंसानों के साथ कैसे रहता है वो अल्लाह की बनाई मखलूक के साथ कैसे रहता है तीसरी चीज़ हलाल कमाता है कि नहीं बहुत ज़्यादा कमाना ज़रूरी नहीं है थोड़ा कमा लेना और हलाल कमा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी नज़र में औरत की इज़्ज़त कितनी है उसकी नज़र में औरत की वैल्यू कितनी है कितनी वो औरत को इज़्ज़त देता है कितनी वैल्यू वैल्यू वोत को देता है जो मर्द औरत को नहीं देता ना वो मर्द कभी भी औरत की इज्जत नहीं कर सकता इस लड़कियों एक चीज बहुत अहम देखना जिस मर्द का भी इंतब करो जिस लड़के का भी इंतब करो एक चीज जरूर देख लेना कि उसकी घर में इज्जत कितनी है अगर उसकी घर में इज्जत नहीं है तो यकीन करो कि वो कभी भी तुम्हारी इज्जत नहीं करवा सकता वो तुम्हें जलील कर देगा वो तुम्हें रस्वा कर देगा सबसे पहले उसे कहो घर में इज्जत बनाए क्या उसकी माँ और उसकी बहनें उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करती हैं अगर उसकी माँ और उसकी बहनें उसकी ज़िंदगी का फैसला करती हैं तो वो कभी भी तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकेगा मर्द अच्छे कपड़े पहनता हो अच्छी खुशबू लगाता हो सेल्फ़ केयरिंग हो अपनी केयर करता हो बहुत ज़्यादा नहीं एक हद तक अना परस्ता हो खुददारी उसमें हो लेकिन अना ना हो खुददारी और अना दो अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन अक्सर लोग इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं अना का मतलब ये होता है कि हर बात पे अड़ जाना और खुददारी का मतलब ये होता है कि उस बात पे अड़ना जिस बात पे इंसान की सेल्फ जो है वो ठेस पहुंचाती है जिससे उसकी सेल्फ को जो है वो नुकसान पहुंचेगा उसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचेगा किसी के आगे लेट जाना ये किसी के आगे लेट जाना किसी के आगे सवाल ना करना किसी से कोई चीज़ मांगना ना अपने अपने लिए कमाना अपनी फैमिली के लिए कमाना ये खुददारी होती है इंसान की लेकिन हर बात पे अड़ जाना जिद करना ये इंसान की अना होती है और अना परस्त, परस्त मर्द ख़ास तौर पे कभी भी औरत को खुशियाँ नहीं दे सकता आप अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सा सुकून आने वाला है बहुत सी चीज़ें आपकी बेहतरीन होने वाली हैं और एक बात मैं लड़कियों से कहना चाहूँगा अक्सर लड़कियाँ ये कंप्लेन करती हैं कि मर्द को दूसरी तीसरी औरत अट्रैक्ट क्यों करती है देखिए बनाने वाले ने मर्द को स्ट्रॉन्ग बनाया मर्द की डिज़ायर ज़्यादा है मर्द औरत की तरफ ज़्यादा जल्दी जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है औरत मर्द की कमजोरी है इसलिए अल्लाह ताला ने मर्द को इजाज़त दे रखी है कि वो चार कर ले। लेकिन उसमें एक शर्त जोड़ दी है इंसाफ की दस में से आठ मर्द हैं जिनकी ख्वाहिश दूसरी औरत है तीसरी औरत है चौथी औरत है और दस में से दो औरतें हैं जिनका एक मर्द के साथ गुजारा नहीं है इस रेशो को आप याद रखिएगा ये रेशो आपके लिए बड़ा काम देने वाली है अगर एक लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शोहर दूसरी शादी करे तो बेहतर यही है कि वो अपनी इस बात को अपने पेरेंट्स को बता दे और अगर एक मर्द चाहता है कि वो ज़िंदगी में दूसरी तीसरी चौथी शादी करे तो बेहतर यही है कि वो सुन्नत तरीके का इंतखब करे पहली शादी अपने से बड़ी से करे दूसरी शादी किसी बेवा किसी तलाक़ याफ्ता किसी ऐसी लड़की से करे ताकि उसकी चार की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और इससे माशरे में भी बेहतरी आ सके याद रखिएगा अगर आप मर्द को चार शादियों से रोकेंगे तो फिर मर्द जना के रास्ते को इख्तियार करेगा क्योंकि उसने तो अपनी ख्वाहिश को किसी ना किसी तरीके से पूरा करके ही रहना है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका मर्द वाकई दूसरी शादी करना चाहता है और आप चाहती हैं कि आपकी वजह से गुनाह ना हो तो आप उसे एक रास्ता दें अगर रास्ता नहीं दे सकती अगर आप समझती हैं कि आप उस तरह से नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी तो फिर ऐसे इंसान का इंतख्य ना करें हमने सब ने मिल के इस माशरे को बनाना है अगर हम इस माशरे के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो हमें कोई हक़ नहीं कि हम इस माशरे को के लिए बुरा करें तो वीडियो का अहतम यहीं करते हैं आई होप सो कि अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो ये बातें आपके लिए काफ़ी फ़ायदा मंद होने वाली हैं अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियों के मामला रखें ख्याल रखिएगा अपना असल अल्लाह हाफिज़